सर लोग पहले पूछते थे कि सर आप टीचर या फिर टीचर क्यों बन रहे हो भैया। हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आप गए हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपने ली है, इंजीनियर बनो ना, टीचर क्यों बनना चाह रहे हो। टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, कल टीचर्स डे है और कल हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैं एडवांस में ही आपसे विशेष ले लेता हूं। यस, मिल तो नहीं पा रहे हैं ना ऑफलाइन में, यस सॉरी ऑनलाइन में मिल तो नहीं पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं सर, ये वाली इंटरेक्शन अब जमने लगी है। आप सारी बातें हमारे तक पहुंचा देते हो, हम हमारी सारी बातें आप तक पहुंचा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कोई परेशानी है नहीं जी। कुछ कुछ बातें मैंने लिखी हैं। टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट टीचेस ऑल ऑफ द अदर प्रोफेशन, बिल्कुल सही। टीचिंग बहुत सारे लोग पहले पूछते थे कि सर आप टीचर या फिर टीचर क्यों बन रहे हो भैया। हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आप गए हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपने ली है, इंजीनियर बनो ना, टीचर क्यों बनना चाह रहे हो। तो एक इच्छा थी पढ़ाने की, इस वजह से टीचर बने। दूसरी इच्छा ये थी कि जो बाकी किसी प्रोफेशन में आपको कभी नहीं मिल सकता वो इस प्रोफेशन में मिलता है। कैन यू बिलीव, एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूं, एकदम रियल। कैन यू बिलीव कि आप क्लास लेके आते हो, आपके लिए पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, वो आपके बच्चे मतलब अपने बच्चे की रिपोर्ट आपसे जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि वो बच्चा कैसा कर रहा है। तो आप क्लास से निकल के आते हो, डेस्क पे बैठते हो, जब आप वहां बैठने लगते हो तो सामने वाले दोनों पेरेंट्स अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं, फिर वो बैठते हैं और फिर वो इंट्रोडक्शन में ये बोलते हैं कि आई एम एन आईपीएस ऑफिसर। वो जो थे उसके पिताजी वो आईपीएस ऑफिसर थे और माँ जो थी वो बैंक में बहुत बड़े पोस्ट पे थी, शायद मैनेजर वगैरह थी। वो दोनों जब मैं आके बैठा तो कुर्सी से खड़े हो गए, समझ में आया। तो मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो मेरे लिए कुर्सी छोड़े। किस वजह से छोड़ा था उन्होंने ऐसा, बिकॉज उनका बच्चा उनका बेटा मुझसे पढ़ रहा था और मैं उनका टीचर था, इस वजह से वो रिस्पेक्ट मिली, समझ में आया। तो ऐसी रिस्पेक्ट किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलती। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया। यस, तो दिस इज द प्रोफेशन दैट टीचेस एवरी अदर प्रोफेशन, समझ में आया। यस, इसलिए हम लोग टीचर बने हैं। और ये जो यहां लिखा हुआ है, ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे पुराने, कौन से, एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनसे एक बार पूछा गया, ऐसे छोटे बच्चों से वो इंटरेक्ट करने में बड़ा शौक था उनको, बात करने का बच्चों से, उनसे पूछा गया कि आपने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया है तो आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा है। मतलब आप प्रेसिडेंट भी हो, आप वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट भी हो, आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, आप बहुत प्रकार के रोल्स निभा रहे हो, आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा है। तो उन्होंने बोला कि आई एम ए टीचर, वो टीचर भी है, तो आई एम ए टीचर, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है टीचर होना और मैं बहुत खुश होता हूं जब मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा बड़ा कामयाब हो जाता है। ये बात उन्होंने बोली, ठीक है, और जब उन्होंने बोली है तो दिस इज वेरी ट्रू। सारे टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, जब भी आप कभी भी किन्हीं से भी पढ़े हो, वो अपने आप की पीठ थपथपाते हैं, बिलीव मी, ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं करते, बट यस वो बड़े ही खुश होते हैं अंदर ही अंदर, इस बात को सुनकर, इस बात को जानकर कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है वो आज कामयाब हैं, समझ में आया। तो आई एम ए टीचर, व्हेन माय स्टूडेंट गेट सिलेक्टेड इन जेई, दैट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट एंड हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा खुशी, जैसा कि मैंने आज पहले ही बोला था, जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे आपसे और आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा खुशी हम लोगों को होने वाली है कि हाँ भाई हमने पढ़ाया था, देखो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से जोरदार तरीके से पढ़ते रहे। एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स, सभी गुरुजनों के लिए प्रणाम, जो भी कोई भी इंसान जिसने भी कभी किसी को पढ़ाया है, सबके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बिकॉज जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप सामने वाले आदमी से कभी कुछ सीख नहीं सकते, समझ में आया। एक ऐसी दो लाइन सुना देता हूं, टीचर्स डे है तो सर उसके उपलक्ष्य में होना चाहिए थोड़ा बहुत, सुनो। मुझे लगा ये मैं हूं जो हर मुश्किलों से टकराता है, मुझे लगा ये मैं हूं जो हर मुश्किलों से टकराता है, मुझे क्या मालूम था ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है जो हर बार पार लगाता है, मुझे क्या पता था कि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है जो मुझे हर बार पार लगाता है, समझ में आया। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मन लगा के पढ़ाई करते रहे जोरदार तरीके से और खुश रहें प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, लव यू, बाय बाय, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है, ओके बाय, किसी और का है, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू।